नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी यानी कि काफ़ी सारी संभावनाएं, ढेर सारी संभावनाएं। क्या आपको पता है आपके जीवन में इतनी सारी संभावनाएं होती हैं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये संभावनाएं होती हैं तो आपको दिखाई क्यों नहीं देती, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं या जो अपार संभावनाएं हैं, ये कुछ लोग ही देख पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं, जब भी आप अपना कोई लक्ष्य तय करते हैं, तो उसके रास्ते पे आप पहले ही अपने दिमाग के अंदर मुसीबतों को देखते हैं। सिर्फ आपका जो सारा ध्यान होता है मुसीबतों पर होता है। जिससे भी आप राय मांगते हैं वो भी आपको मुसीबतें ही बताता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन मुसीबतों की दीवारों से पार देख पाते हैं, उन अपार संभावनाओं को देख पाते हैं जो उन मुसीबतों को पार करके आपको मिल सकती हैं। तो अपार संभावनाएं जब हैं आपके पास, तो आप ट्राई क्यों नहीं करते? अगर आपको लगता है कि आप अपने काम करने के लिए पहले ही हर एक संभव कदम उठा चुके हैं, एक से एक आप काम कर चुके हैं अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, और आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो आप यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि संभावनाएं इतनी हैं कि आप उन सबको नहीं आजमा सकते। अगर आपको लगता है कि आप सारे कदम उठा चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको गलत बोलूँगा। आप उन संभावनाओं को देख के, उनके हिसाब से आपने जो है कदम नहीं लिए हैं, तो आप और भी कदम उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सारे काम कर चुका हूं और मुझे ये गोल प्राप्त नहीं हो सकता, तो यहां पे आप बिल्कुल गलत होते हैं। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को खोजना, तो आप खोजेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए हमें जो अपने माइंड की स्टेबिलिटी को एक जगह बिल्कुल शांत रखना होगा। देखिए, हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई पार्टी करनी है वीकेंड के ऊपर, या मान लीजिए आपको कोई मूवी देखनी है, या मान लीजिए आपको कोई गेम खेलनी है, या मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए। तो आपका दिमाग जो है आपको अपार संभावनाएं देता है, कई सारे रास्ते देता है ताकि आप वहां जा सकें। आपको बहुत सारे रास्ते मिलते हैं कि आप वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब आपके गोल की बात आती है, तो अपने दिमाग की संभावनाओं को आप ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, तो उससे वो सिर्फ आपकी मुसीबतें ही आपके सामने रखता है, और आप जो है उस संभावना को नहीं देख पाते, उन रास्तों को नहीं देख पाते जिनके थ्रू आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपने बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ना होगा, जो आप सोचते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो सोचा जा सकता है वो किया जा सकता है। नामुमकिन कुछ नहीं है, आप इसको मुश्किल शब्द का नाम दे सकते हैं, या फिर बहुत मुश्किल शब्द का नाम दे सकते हैं, या बहुत बहुत मुश्किल शब्द का नाम दे सकते हैं। इन चीज़ों में टाइम लगता है। मुश्किल में थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल में और ज़्यादा टाइम लगेगा, और बहुत बहुत मुश्किल में और थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। टाइम चीज़ें ले सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपने काम सोचा है वो ना हो, या आप उसको इम्पॉसिबल या फिर नामुमकिन आप उसको करार दे दें, ऐसा नहीं होता। तो अपार अगर संभावनाएं हैं, ये होती है, लेकिन अनसर्टेनिटी से आप डरते हैं। आपके अंदर जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है वो स्टार्टिंग से ज़ीरो होती है, और उसको आप कभी भी स्टार्ट भी नहीं करते। थोड़ा थोड़ा रिस्क भी आप कभी भी अपने काम के लिए नहीं लेते, और उसको आगे बढ़ाते नहीं जाते। तो इसके कारण अनसर्टेनिटी आपके दिमाग में ही पैदा होती है, अनिश्चितता आपके दिमाग में ही पैदा होती है। आपको लगता है कि मैं ये काम करूँगा, तो दिमाग आपको 100 जवाब देता है कि नहीं, आप यहाँ फेल हो जाएंगे, नहीं आप वहाँ फेल हो जाएंगे। लोग भी आपको जवाब देते हैं, नहीं आप फेल होंगे। लेकिन आप जो अपार संभावनाएं जब तक देखने की क्षमता, जब तक देखने की कैपेबिलिटी अपने अंदर नहीं जगाएंगे, जैसा कि हमने पहले बोला था कि सिर्फ हर सुबह सामान्य रूप से लोगों की तरह उठने से काम नहीं चलेगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, आपको अपने अंदर की संभावनाओं को देखना पड़ेगा। क्योंकि बाहर का जो वर्ल्ड है वो सारा जो है आपको संभावनाएं नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ आपके फेलियर्स, आपकी असंभावनाएं, अनिश्चितताएं, आपका
जो रिस्क टेकिंग जो फैक्टर है उसको दबाएगा। तो संभावनाएं अगर आपको देखनी है तो आपको खुद के अंदर देखनी होंगी, आपको खुद को लोगों से अलग करना होगा, अपनी पॉसिबिलिटीज को जानना होगा, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है। तो इन सारी चीज़ों का जवाब जब आप आराम से बैठ कर सोचेंगे तो आपको ज़रूर कुछ दिनों के बाद जब आप सर्च करते रहेंगे मिलेगा, और उसके लिए जब आप काम करेंगे तो अपार जो संभावनाएं हैं आपका इंतजार कर रही होंगी, और वो आपको एक ऐसे सफलता के क्षेत्र में ले जाएंगी जो लोग सोच भी नहीं सकते। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हर एक इंसान के अंदर होती है, हर जगह होती है, हर काम में होती है, बस हमें उसको ढूंढना होता है। हर क्षण में हम उसको ढूंढ सकते हैं इस जिंदगी के अंदर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।